हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A50 के आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहां पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है सैमसंग के A50 यूजर्स के लिए। फाइनली सैमसंग के A50 को नवंबर 2019 का सिक्योरिटी पैच रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड एक्चुअली में ये रोल आउट भी हो चुका है, इंडिया में तो नहीं हुआ, आउट ऑफ इंडिया यानी कि रशिया में सैमसंग ने इस अपडेट को रोल आउट कर दिया है। और यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी बताए गए हैं कि सैमसंग ने इस अपडेट के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी करे हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की जो फाइल थी 100 MB के आसपास की थी, वो तो मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पर मैं आपको उसका फ़ोटो दे दूँगा। लगभग 121 MB के आसपास की यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट फाइल थी। एंड इस अपडेट के अंदर हमें नवंबर 2019 यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पे लेवल देखने को मिलता है। 5 नवंबर है और सैमसंग का ये सेकंड स्मार्टफोन बन जाता है सैमसंग के S10 सीरीज़ के बाद में जिसको नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिला है। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ अभी तक S10 सीरीज़ को ही मिला था। एंड सेकंड स्मार्टफोन सैमसंग का A50 बन जाता है जिसको नवंबर 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर सैमसंग ने पिछले अपडेट के बाद में यहाँ पर बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर दिया था, जो कि एक्चुअली में मतलब पहले लगभग 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे के आसपास लगते थे, बट उसके बाद में यानी कि लेटेस्ट अक्टूबर के सिक्योरिटी पेज लेवल के बाद में यहाँ पर जो टाइम है वो लगभग 2 घंटा 30 मिनट या फिर 2 घंटा 40 मिनट के आसपास लगता है। और डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट होता है। अगर आपका नहीं होता तो अच्छी बात है, बट मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस हुआ है A50 के साथ में, बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ हैं A50 के अंदर अक्टूबर सिक्योरिटी पेज के बाद में। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, पहले सैमसंग के A50 के अंदर एक और अपडेट आने वाला था जो कि लगभग 244 MB के आसपास का था। ये वो अपडेट था और ये सेकंड अपडेट था अक्टूबर का सिक्योरिटी पेज के बाद में, 270 MB के अपडेट फाइल थे। ओके, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करा था। एंड हो सकता है कि हमें जो इंडिया में अपडेट देखने को मिले नवंबर के सिक्योरिटी पेज वाला, उसके अंदर हमें ये वाला अपडेट मर्ज होकर के मिले, तो अपडेट फाइल थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आने वाला है यानी कि नवंबर सिक्योरिटी पेज के साथ में जो हमें एक और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा हमें बैटरी के अंदर, यानी कि जो बैटरी थोड़ी फास्ट ड्रेन होती है सैमसंग ने उस चीज़ को भी बताया जा रहा है कि फिक्स कर दिया है इस अपडेट के थ्रू। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, यह रशिया में रिलीज़ किया गया अपडेट और भी 2-3 कंट्रीज़ में और किया है, बट अभी तक इंडिया में नहीं किया है, बट जैसे ही इंडिया में आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कंप्लीट डिटेल वीडियो मिलेगी कि क्या क्या इंप्रूव करा इसके अलावा सैमसंग ने अपने A50 के अंदर, सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल की वीडियो में आपको यही बताना था कि सैमसंग के A50 के अंदर अक्टूबर का सेकंड अपडेट नहीं आने वाला, यहाँ पर डायरेक्ट हमें नवंबर का सिक्योरिटी पेज मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछली वीडियोज़ में। एंड काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की रिकॉर्डिंग में, तो प्रॉब्ली सैमसंग नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो भी इस डिवाइस में इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दे। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। बाकी आप नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यही था फिलहाल क्या आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।